मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि हमें अदालतों की तरफ नहीं जाना चाहिए, इस पार्लियामेंट के ऊपर हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सर अगर रिस्पेक्ट करनी है, आप मेरे लिए बहुत ऑनरेबल हैं। सर ये 6th सेशन है, टोटल 46 स्टार्ट क्वेश्चन है। अभी सर एजाजुल हक साहब के क्वेश्चन के बाद तमाम का आप देखें सर 22 के आंसर्स ही नहीं है, स्टार क्वेश्चंस के आंसर्स ही है, रिप्लाइड नॉट रिसीव, रिप्लाइड नॉट रिसीव। तो सर लॉ मिनिस्टर साहब बता दें कि हम जो 1.5 लाख वोट लेकर आते हैं, अगर हमारे सवालों का ही जवाब आपने नहीं देना, या तो मिनिस्टर का जोर नहीं चल रहा, या तो मिनिस्टर ना लाए के, या फिर ब्यूरोक्रेसी आपकी बात नहीं मना रही। 6th सेशन में आपके पास आंसर ही नहीं है, 22 out of 46 सर, देयर इज नो आंसर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखें फिर इसके बाद इस पर तफसील से बात करते हैं। इस हाउस में कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है और किसान जो है पाकिस्तान की बुनियाद है, और उनको इज्जत देना, उनके मसाइल हल करना, बज़ाहिर जो इस वक्त कंसेंसस है वो यही बता रहा है कि वो प्रायोरिटी नंबर 1 है। इसीलिए आपने क्वेश्चन आर को भी बाकी क्वेश्चंस को डेफर किया। कोएलिशन पार्टनर्स जो हैं वो भी इस पर एम्फेसाइज कर रहे हैं, मिनिस्टर साहब भी इस पर एम्फेसाइज कर रहे हैं। अब सवाल ये है वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि इतनी बड़ी ताकत को हाथ लगाना जो है उससे हाथ भी जल रहे हैं, जबान भी जल रही है, टांगे की भी कांप रही हैं, और सबसे बढ़कर ये कि कोएलिशन पार्टनर्स की फिर भी मैं करेज को सलाम करता हूँ। पीपल्स पार्टी ज़रा अपने आप को थोड़ा सा हिलाए तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ हो सकता है, अदरवाइज मिनिस्टर साहब आई बिलीव यू हैव गिवन अप। लॉ मिनिस्टर साहब मेंबर में हो चुकी है, ये हाउस को भी वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। मैं ये बात सामने रखना चाहता था, एक तो अभी हाउस ने डिसाइड किया कि क्योंकि गंदम वाला मसला ज़्यादा संजीदा है तो हम बाकी सवाल छोड़े, वरना जो रेलवे के और इंडस्ट्रीज़ के सवालों के जवाब या दीगर भी जो जवाब हैं वो हमारे तैयार थे जी। हाँ। जो सवालात के जवाबात नहीं आए हाँ। उनमें हेल्थ के सर बहस करता, उसमें हेल्थ के नहीं नहीं 16 सवालात थे। अभी अभी एजेंडा वाइज ही जा रहा हूँ जी जी, मैं वैसे कर रहा हूँ। 16 सवालात थे सर, वो कन्फ्यूजन ये हुई कि वो कहते हैं कि हमने रात पहुँचाए, प्रिंटिंग में ना आ सके, माजरत भी करके गए, उन्हें 2 घंटे पहले देने चाहिए थे, लेकिन वो भी जवाब मौजूद थे। मुख्तार भर साहब उसके कोआर्डिनेटर हैं, बैठे हुए हैं, और आइंदा इंशाल्लाह उल अजीज़ हम ये इंश्योर करेंगे कि वेल बिफोर टाइम प्रिंट होके आपके सामने हो। शेरयार महर साहब, शेरयार महर साहब सप्लीमेंट्री, शेरयार अफरीदी साहब सप्लीमेंट्री, शेरयार अफरीदी साहब सप्लीमेंट्री। थैंक यू स्पीकर साहब। अमित डोगर साहब ने कोई बात करनी है जी? नहीं आप कर लिए जी। सर सब कंसेंसस है इस हाउस में कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है और किसान जो है पाकिस्तान की बुनियाद है, और उनको इज्जत देना, उनके मसाइल हल करना, बज़ाहिर जो इस वक्त कंसेंसस है वो यही बता रहा है कि वो प्रायोरिटी नंबर 1 है। इसीलिए आपने क्वेश्चन आर को भी बाकी क्वेश्चंस को डेफर किया। कोएलिशन पार्टनर्स जो हैं वो भी इस पर एम्फेसाइज कर रहे हैं, मिनिस्टर साहब भी इस पर एम्फेसाइज कर रहे हैं। अब सवाल ये है वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि इतनी बड़ी ताकत को हाथ लगाना जो है उससे हाथ भी जल रहे हैं, जबान भी जल रही है, टांगे की भी कांप रही हैं, और सबसे बढ़कर ये कि कोएलिशन पार्टनर्स की फिर भी मैं करेज को सलाम करता हूँ। पीपल्स पार्टी ज़रा अपने आप को थोड़ा सा हिलाए तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ हो सकता है, अदरवाइज मिनिस्टर साहब आई बिलीव यू हैव गिवन अप। थैंक यू। मीर शबीर बजरानी साहब, लॉ मिनिस्टर सोच के और दिल से पूछ के करता हूँ बात। मैंने ये तजवीज़ रखी आपके सामने, ये मेरे भाई तो अपनी दाढ़ी किसी और घर को भेज रहे थे। मैंने कहा कि आप इस ऐवान का हुसन है सारे, ऐवान को इज्जत दे, और उसको इज्जत देने का एक ही तरीका है, स्टैंडिंग कमेटी बन जाती है जब नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की,
उस स्टैंडिंग कमेटी को सौंप दे ये मामला और वो रिपोर्ट लेके आए, वो तलब करे लोगों को, उनके बयान लिखे और आपके सामने रिपोर्ट रखे। मीर शब्बीर बजरानी साहब, सप्लीमेंट्री। आप बजरानी साहब अपनी सीट पे नहीं है, उनकी सीट पे नाम लिखा हुआ है, वहाँ नाम भी लिखा हुआ है। खोल। थैंक यू सर, थैंक यू स्पीकर साहब। सर मेरी गुजारिश ये होगी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि वो जो कमेटी की बात कर रहे हैं, ये गंदम का इशू हमारा ऐसा इशू है कि हमें फिल फॉर उसी वक्त किसानों को रिलीफ चाहिए था जो कि नहीं मिला, और अब हम गुजारिश कर रहे हैं। लास्ट सेशन में आपने कहा था कि आपके मिनिस्टर राणा तनवीर साहब बैठेंगे, आपके साथ मीटिंग करेंगे, न वो मीटिंग हुई, न उस मीटिंग में कोई डिस्कशन हुई, न कोई बात हुई। नाज़रीन कराम, आपने गुफ्तगू सुनी शहरयार अफरीदी साहब की और सरताज गुल साहिबा की। नाज़रीन, दोनों इमरान खान साहब के खिलाड़ी, इमरान खान के खिलाड़ी सरताज गुल और शहरयार अफरीदी साहब, नाज़रीन इन पर भी बहुत सी मुश्किलात आई, बहुत मुश्किल वक्त इन्होंने गुजारा, लेकिन अवाम ने इनको मैंडेट दिया, वोट दिए और अपना लीडर मुकर्रर किया दोबारा से। नाज़रीन, शहरयार अफरीदी पर भी जो जुल्म हुए उनकी दास्तान नहीं मिलती, बहुत मुश्किलात से गुजरा, उनके भाई को अगवा किया गया, उनकी फैमिली पर जो मुश्किलात आई, नाज़रीन अपने ही फैमिली मेम्बर्स की फोतगी पर शहरयार अफरीदी साहब को नहीं जाने दिया, नाज़रीन ये इंतहाई सख्त लम्हात होते हैं। और नाज़रीन, सरताज गुल साहिबा, उन्होंने भी बहुत टाइम रोपोशी की ज़िंदगी गुजारी, उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट से जाकर ज़मानत ली और दोबारा से अवाम के बीच आई और अवाम की खिदमत कर रही हैं अब भी। नाज़रीन, मुझे नई इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।